अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी ये वीडियो स्पेशल ईद के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है, ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे हाथ पांव बहुत साफ हो जाए, हमारा रंग बहुत साफ हो जाए, और ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे फेस के साथ साथ हमारे हाथ पांव भी साफ हो जाए। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे फार्मूला क्रीम। इस फार्मूला क्रीम को लगाने से आपके हाथ पांव बहुत प्यारे हो जाएंगे, बहुत चिट्टे चिट्टे हो जाएंगे। जैसे आपकी ख्वाहिश है, आपके हाथ पांव वैसे ही हो जाएंगे। चले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये क्रीम कैसे बनानी है। इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल। हमने कांच का एक बाउल लेना है। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, पर आपने कांच का ही बाउल लेना है। आपने प्लास्टिक का या स्टील का बाउल नहीं लेना। आपने लेना है तो बस कांच का बाउल लेना है। इस फार्मूला क्रीम को बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए वो है क्लोबोवेट। आपने क्लोबोवेट की क्रीम लेनी है, ट्यूब लेनी है, और आपने आधी चम्मच इसका ले लेनी है। आधी चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना। और ये क्रीम 103 रुपए में आपको बहुत आसानी से किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप से मिल जाएगी। अब हमने इसमें ऐड करना है डर्मोवेट क्रीम। हमने ये क्रीम लेनी है और ये 107 रुपए में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमने इस क्रीम का भी आधी चम्मच इसमें ऐड करनी है। आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जितना मैं आपको बता रही हूँ आपने सब कुछ इतना ही ऐड करना है, कुछ भी कम ज़्यादा ऐड नहीं करना। दोनों ट्यूब ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड करनी है निविया क्रीम। आपने निविया की क्रीम लेनी है और आपने 2 चम्मच इसमें निविया क्रीम की ऐड करनी है, मतलब 2 या 1.5 चम्मच आपने इसमें क्रीम की ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच निविया क्रीम की ऐड की है इन दोनों क्रीमों में। अब मैं इसमें एक वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड करूँगी, और वाइटनिंग का कैप्सूल वैसे भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हर रोज़ एक कैप्सूल अपनी फेस पे लगाए के 7 दिन, तो आपकी रंग बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, ग्लो करेगा। कोई फार्मूला क्रीम आपने अपने फेस पे नहीं लगानी। आप ये कैप्सूल हर रोज़ एलोवेरा जेल में मिलाकर अपने फेस पे लगा लें। ऐसा करने से 1 वीक में ही आपकी फेस की स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। और ये फार्मूला मैं आपको आपके फेस के लिए बता रही हूँ, ना तो आपके हाथों के लिए। सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने में आपने अच्छा खासा टाइम लगाना है, कम से कम 5 मिनट में आपने इसको मिक्स करना है। 5 मिनट लगाकर आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो सब चीज़ें वो अच्छे से मिल जाए। और मिक्स करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप किसी भी डिब्बी में, किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप किसी भी डब्बी में इसको स्टोर करके रख लें। कोई भी डब्बी आप ले सकते हैं, कोई भी क्रीम की जो डब्बियाँ होती है। ये मेरे पास छोटी सी बहुत खूबसूरत डब्बी थी, मैंने इसमें एक क्रीम बनाई है। और ये क्रीम मैंने कम बनाई है क्योंकि आप क्रीम इतनी बनाए जितना आपने यूज़ करनी है। मैंने ये फार्मूला क्रीम 1-1.5 महीने के लिए बनाई है। आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, आप एक पूरा जार भर के बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ आप 1 महीने के लिए बनाएं, 1 महीने के बाद आप नहीं बना लें। आप ये क्रीम ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगी कि आपने इस क्रीम को ज़्यादा नहीं बनाना। अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा बनाएंगे तो वो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाएगी और इसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये आप क्रीम ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें पानी हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगी। चले अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है। आपने इसको रात को लगा के सो जाना है और सुबह उठ के आपने वॉश करना है। रात को जब आप इस क्रीम को अपने हाथ पे लगाओ, हाथ पे या पाँव पे लगाते हो, तो आपने पहले अपने हाथ और पाँव को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इस क्रीम को अपने हाथ या पाँव पे लगानी है, और लगाने के बाद आपने मसाज करनी है। आपने क्रीम को बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आपने कम क्रीम लेनी है, पर मसाज आपने बहुत अच्छे से करना है। अगर आप क्रीम कम भी लोगे तो आपकी हर जगह लग जाएगी। ये नहीं लेना कि आपने भर भर के क्रीम लेनी है और अपने हाथ पे लगानी है। आपने हल्की सी क्रीम लेनी है, अपने हाथ पे अच्छे से मसाज करना है जो जगह आपकी ब्लैक है। अगर आपके हाथ के निकल्स ब्लैक है तो आपने अपने हाथ के निकल्स पर अच्छी तरह मसाज करनी है। और अगर आपके एल्बो बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो आपने इसको अपनी एल्बो पे भी लगानी है और अच्छे से मसाज करके रात को लगा के सो जाना है। जहाँ जो जगह आपकी ब्लैक है आपने वहाँ पे इसको लगाना है, मतलब हाथ पांव पर। और इस फार्मूला क्रीम को आप अपने फेस पे नहीं लगा सकते, ये आपके फेस के लिए नहीं है, ये आपके हाथ और पाँव के लिए है। आपने इसे अपने हाथ पाँव पर लगानी है, फेस पर नहीं लगानी।
क्लोबो और डर्मोवेट आप अपने फेस पे नहीं लगा सकते। अगर आप फेस की फार्मूला क्रीम बना रहे हैं तो आप ये दोनों ट्यूब अपने फेस की क्रीम में ना ऐड करें तो अच्छा है। इस फार्मूला क्रीम को आपने 7 दिन अपने हाथों पर और पाँव पे लगाना है। 7 दिन के बाद आप 1 दिन छोड़कर अपने हाथ और अपने पाँव पे लगाएं। हर रोज़ आपने नहीं लगानी। इंशाल्लाह आप इस क्रीम को 7 दिन अपने हाथ और अपने पाँव पे लगाएं तो आपके हाथ पाँव ईद से पहले वाइट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। और 7 दिन के बाद 1 दिन छोड़ के लगानी है अपने हाथ और पाँव पर। और चले, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।